नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। कोविड-19 ने एक बार फिर से कायम किया एक नया रिकॉर्ड। कोविड-19 आम नागरिकों की परेशानी इस तरीके से बढ़ा रखी है जिसकी वजह से हर दिन मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 24 घंटे में 45,720 नए मामलों की पुष्टि की गई है और संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख से ज्यादा हो गया है। सिर्फ महाराष्ट्र से 10,500 और आंध्र प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल मरीजों का आंकड़ा 12,38,635 हो गया है और अब तक 7,82,606 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63.13% हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए सैनिकों को दिया संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए सभी सैनिकों से साफ तौर पर कहा है कि एयरफोर्स ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से बालाकोट में अपनी भूमिका निभाई थी। ईस्टर्न लद्दाख में भी वायुसेना ने अपनी तैनाती का बड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने LAC पर तनाव कम करने के लिए की जा रही कोशिशों की तरफ इशारा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि एयरफोर्स से किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक 3 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव, एयरफोर्स की तैयारी और तैनाती को लेकर बातचीत जारी है। इतना ही नहीं, वायुसेना को मजबूत करने के लिए इसी महीने फ्रांस के 5 राफेल विमान भी आ रहे हैं। बैंक कर्मचारियों के लिए सालाना 15% सैलरी बढ़ाए जाने की कही गई बात। सरकारी बैंक और पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक में काम करने वाले 9 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। भारतीय बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारी यूनियन ने आखिरकार उनके वेतन में 15% बढ़ोतरी और पेंशन योगदान में 4% की वृद्धि पर सहमति जता दी है, जिसके बाद कर्मचारियों के सालाना वेतन बिल में बैंक पर 7,900 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च होंगे। पहले इन कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% उनके रिटायरमेंट पर जाता था, लेकिन वेतन स्ट्रक्चर में लेटेस्ट संशोधन के साथ पेंशन में उनके बेसिक और DA का 14% योगदान दिया जाएगा। इसके साथ ही कम से कम 5 दिन की बेसिक सैलरी और DA के योग्य ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% से अधिक वृद्धि की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन की शुरुआत भी की जाएगी। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पहले ही जारी कर दी गई थी और अब तैयारियां भी जोर शोर से जारी है। श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने पूरी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। इससे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए हमने तय किया है कि आमंत्रित किए गए 150 से 200 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। शिलान्यास करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम और हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान की प्रार्थना करेंगे। सभी मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के लिए जल्द ही निमंत्रण पत्र भेज दिया जाएगा। दुनिया के पर्यावरण प्रभावों की निगरानी करने वाली टीम में शामिल है 4 भारतीय। संयुक्त राष्ट्र की इकाई इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने 2022 की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 22 देश के 39 पर्यावरण वैज्ञानिक और शोधार्थी सदस्यों वाले पैनल की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका और भारत से सर्वाधिक 4-4 लोगों को पैनल में जगह दी गई है। इसमें भारत की द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दीपक दास गुप्ता, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की अदिति मुखर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट की रोमा देवी, जादवपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की जयश्री रॉय शामिल है। इस रिपोर्ट में आ जाने के बाद अब 1 साल के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी देशों की समीक्षा की जाएगी कि किस देश ने पेरिस समझौता के लक्ष्य को किस स्तर तक हासिल किया है। चीन ने भारत से एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की जताई उम्मीद। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बावजूद चीन को अभी भी भारत से उम्मीद बची है, जिसके तहत चीन ने कुछ समय पहले एक बयान जारी करके उम्मीद जताई है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन जरूर करेगा। चीन का यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद आया है। मीडिया हाउस के रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अतीत की तरह भारत विश्व में भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगा। दूसरे में बन रहे संतुलन का भारत को लाभ लेना चाहिए, जिसके बाद चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन ने विदेश मंत्री की टिप्पणी को गंभीरता से लिया है और चीन ने बहुत ही प्रासंगिक रिपोर्ट को नोट भी किया है और हम आशा करते हैं और यकीन करते हैं कि भारत ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी लोकतंत्र और स्वतंत्र राजनयिक नीति पर कायम रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रबंधन में एक रचनात्मक भूमिका निभा करके शांति बनाएगा। आज 30 साल के हो गए भारतीय टीम की गेंदबाज यजुवेंद्र चहल। अक्सर कोई भी खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल की गेंद पर खेलने से कतराते हैं, क्योंकि यजुवेंद्र चहल अच्छे अच्छे खिलाड़ी को वापस पवेलियन भेजने का सामर्थ्य रखते हैं। आज भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज यजुवेंद्र चहल का जन्मदिन है। हरियाणा के जिले में पैदा हुए चहल को
टीम में आए 5 साल हो गए हैं। चहल ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर न सिर्फ कप्तान का भरोसा जीता था बल्कि टीम इंडिया के कई अहम जीत में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। आलम यह है कि युजवेंद्र चहल वर्तमान समय में भारतीय टीम के पसंदीदा स्पिनर बन चुके हैं, साथ ही वो साथी खिलाड़ियों के साथ भी जमकर मस्ती करते नजर आए हैं। युजवेंद्र चहल के क्रिकेट करियर की बात करें तो 2009 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन भारतीय टीम में मौका उन्हें साल 2016 के जिम्बाब्वे दौरे पर मिला था। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें नंबर के रईस। मुकेश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म के आ जाने के बाद से लगातार नई ऊंचाइयों को छूते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्क के जारी किए गए इस बात का खुलासा किया गया है। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ की मुताबिक मुकेश अंबानी $75 अरब की संपत्ति के साथ 5वें पायदान पर है। संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी और फेसबुक के फाउंडर मार्क जगरबर्ग के बेहद ही पास पहुंच गए हैं। आपको बता दें फोर्ब्स की सूची के पहले स्थान पर $185.8 अरब के साथ अमेजोन के जेफ बेजोस है। वहीं बिल गेट्स $113.1 अरब के साथ दूसरे पद पर विराजमान है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े निवेशकों ने निवेश किया है, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह मुकाम कमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी निवेशकों से भारत में निवेश करने के अवसर की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देश के निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद की तरफ से आयोजित इंडिया आइडियाज समिट के सभी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि भारत खुले अवसरों और तकनीक का बेहतर मिश्रण उपलब्ध करवा रही है। हम सब इस बात से सहमत है कि दुनिया को बेहतर भविष्य की आवश्यकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण मुख्य रूप से मानव केंद्रित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को बताया कि किस तरह से भारत में FDI की सीमाओं में ढील देकर निवेश के द्वार खोले गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी निवेशकों से यह भी कहा कि भारत में निवेश करने के लिए यह बेहतर समय है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया आड़े हाथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई ना कोई टिप्पणी करते आए दिन देखे गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से चीन मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए तीसरा वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% अपने इमेज बचाने में जुटे हुए हैं। इस काम में भारत के कब्जे वाले संस्थान पूरी तरीके से बिजी हैं। राष्ट्रीय दृष्टि का विकल्प नहीं है। चाइना से निपटने के लिए भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से रणनीति बनानी होगी। अगर आप मजबूती के साथ काम करते हैं तभी आप उनके साथ काम कर सकते हैं। आप उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, और यह सचमुच में किया जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मजबूत होने की जरूरत है। COVID-19 के बीच मणिपुर में आज से 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ लागू। अनलॉक के लागू होने के बाद जगह जगह पर मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन को लागू कर रहे हैं। पहले बिहार समेत कई राज्यों में लॉकडाउन दोबारा से लागू कर दिया गया था, वहीं अब मणिपुर में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 23 जुलाई से 14 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी संक्रमण के मामले में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में यहां भी 27 जुलाई के सुबह तक श्रीनगर समेत 9 जिलों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें COVID-19 की वजह से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है, जिसे निजात पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में COVID-19 के मामलों को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन अपने स्तर पर पाबंदियों की घोषणा कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हुए उपराष्ट्रपति और PM ने किया ट्वीट। आज स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के समक्ष ऐसे महान आदर्शों की प्रेरणा आजाद की जन्म जयंती के अवसर पर विलक्षण युवा नायक की स्मृति को सादर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर को याद करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत माँ के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। समय पर राखी पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने बनाया स्पेशल लिफाफा। रक्षाबंधन का पर्व कुछ ही समय में बस आने वाला है। सावन के समापन को कुछ दिन बचे हैं और घरों में रक्षाबंधन की तैयारियां देखी जा रही है। हालांकि इस बार COVID-19 की वजह से बाजार गुलजार नहीं दिखेंगे, मगर फिर भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम दूर दराज रहने वाले भाई बहनों की परेशानी को देखते हुए डाक विभाग ने नए तरह के लिफाफे को बना लिया है। भाई बहन तक राखी पहुंचाने की जिम्मेदारी को समझते हुए डाक विभाग ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है, जिसके तहत डाक विभाग ने रक्षाबंधन की सौगात देते हुए एक स्पेशल लिफाफा जारी किया है। स्पेशल लिफाफे के जरिए बहनें अपने भाइयों को राखी भेज सकती हैं। इसलिए लिफाफे की विशेषता यह है कि इसके ऊपर राखी ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है। इसको
चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी और वक्त पर जगह पर पहुंचाए जाने में भी काफी आसानी होगी। इस लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी गई है। भाजपा में शामिल होने के 24 घंटे बाद ही पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने छोड़ी राजनीति। पूर्व फुटबॉलर रह चुके मेहताब हुसैन ने 24 घंटे पहले भाजपा का दामन थामा था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने भाजपा पार्टी को अलविदा कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह भी कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। कोलकाता मैदान में मिडफील्ड जनरल के नाम से मशहूर हुसैन ने राजनीति को छोड़ने के पीछे की वजह को व्यक्तिगत बताया है, क्योंकि वो राजनीतिक दल में शामिल होने से अचानक लिए गए फैसले से अपने परिवार और शुभचिंतकों को हुई परेशानी से खुद भी परेशान थे। आपको बता दें, ईस्ट बंगाल के पूर्व कप्तान को भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को मुरलीधर सेन लेन स्थित दफ्तर में भाजपा का झंडा थमाया था, जिसके बाद हुसैन ने एक फेसबुक पोस्ट जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि आज से वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म के लिए एक्साइटेड है कार्तिक आर्यन। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म बस अब कुछ ही घंटों में डिज्नी हॉटस्टार पर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद इस फिल्म के रिलीज होने से पहले कार्तिक आर्यन काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखे हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने ट्वीट करके इस फिल्म का प्रीमियर टाइम फाइंस के साथ शेयर किया है। कार्तिक ने लिखा है कि चलो सब साथ में देखते हैं दिल बेचारा प्रीमियर 24 जुलाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार शाम 7:30 बजे। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया है। सुशांत की आखिरी फिल्म का प्रीमियर 24 जुलाई को शाम 7:30 बजे डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने खुद इसकी घोषणा की है। इस फिल्म के जरिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जिस तरह मुकेश अंबानी अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ा रहे हैं, उससे क्या लगता है कि वो टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।